नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बिजली विभाग के भ्रष्टाचार जनता से धन उगाही को लेकर सपाइयों ने जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर को दिया ज्ञापन। चेक पर सिद्धार्थ नगर कपिल वस्तु समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय पासवान, समाजवादी पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ जनता की शिकायत पर जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर से मिलकर कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र के लौटन क्षेत्र के बिजली कर्मचारियों के द्वारा क्षेत्रीय जनता का उत्पीड़न तथा भारी पैमाने पर धन उगाही के खिलाफ आवाज उठाया है तथा दोषियों पर कार्रवाई किए जाने के लिए मांग पत्र सौंपा है। पूर्व विधायक विजय पासवान ने कहा कि क्षेत्रीय जनता इन बिजली कर्मचारियों से त्रस्त है। ये लोग पूरे क्षेत्र में संगठित गिरोह बनाकर विजिलेंस की टीम को बुलाकर कार्रवाई कराते हैं और बाद में भारी पैमाने पर पैसा लेकर मामले को रफा दफा कर देते हैं और जो गरीब व्यक्ति इनके मर्जी के मुताबिक इन्हें पैसा नहीं दे पाता उसके विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर भारी जुर्माना लगाकर उत्पीड़न किया जाता है। समाजवादी पार्टी 303 कपिल वस्तु के अगुवाई ज्ञापन सौंप कर इन फर्स्ट अधिक कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग किया है। पेश है सिद्धार्थ नगर से वज्रिंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। हमारे कपिल वस्तु विधानसभा में ये बिजली विभाग एकदम भ्रष्ट हो गया है और ये सरकार जो योगी सरकार है ये सरकार तो गरीबों किसानों का तो है भी नहीं और धन दोहन करने के लिए गरीब किसानों को रात को 4 बजे भी छापा मार के बिजली काट देते हैं और गरीब दुकानदार उनके यहाँ छापा मार के काट देते हैं। और सबसे बड़ा गंभीर मामला है कि बिजनेस जो टीम है ये एक्सीडेंट से लेकर बिजली कर्मियों से मिली जुली भगत है, जहाँ चाहते वहाँ छापा मरवा देते हैं। छापा मरवाने के बाद में कम्प्रोमाइज करते हैं, अगर कोई गरीब आदमी जो भी जिसके ऊपर छापा मारा कम्प्रोमाइज करके 3 लाख के जगह 50,000-1 लाख दे दिया तो खत्म कर देते हैं, वहां तक कोर्ट तक मामला नहीं जाता है। और जो गरीब आदमी नहीं दे पाता है उसके खिलाफ कोर्ट में करके उसको नोटिस भिजवा के उसको जेल भिजवाने का काम करते हैं। ये पूरे लोटन ब्लॉक में बहुत ज्यादा धांधली चल रही है, वहां के जेई और क्या कहते हैं प्राइवेट संविदा के जो कर्मी हैं वो और जो एक्सियन और एई सारे मिलके कर रहे हैं। हम लोग जाके जब मिले शिकायत किए तो बिल्कुल पल्ला झाड़ दे रहे हैं कि कोई शिकायत करिए, कोई आदमी लेके आइए। जो गरीब आदमी के ऊपर छापा मारा गया है जिससे धनोगन किया जा रहा है वो आदमी डर के मारे एक तो सिपाही पास नहीं तो एक्शन पास कहाँ से आएगा, कोई साक्ष्य नहीं दे रहा है और विभाग को बताने के बाद में पल्ला झाड़ ले रहे हैं। तो हम लोग समाजवादी पार्टी तमाम हमारे साथी आए हैं और हमारे वकील साहब चौबे जी हैं और हमारे अनूप यादव जी भी हैं, चंदमणि यादव जी हैं, कलाम वर्मा जी हैं और तमाम हमारे साथी हैं जो हम लोग आज वार्निंग दिए हैं लेटर देके ज्ञापन देके डीएम साहब को। अगर 4-5 दिन के अंदर निस्तारण करने से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके रिकवरी नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिला प्रशासन संभाल नहीं पाएगा।